नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटू। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। आज विजयदशमी है और विजयदशमी को तमाम प्रतिमाओं का विसर्जन करना है पटना सिटी में। वैसे पूरे पट्टाबड़ में 13 कृत्रिम घाटों का निर्माण कराई गई है और इस रूप में पटना सिटी के बारे में अगर चर्चा चलाएंगे तो आप पटना सिटी का वज्र घाट हो या फिर कंगन घाट हो, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो पटना के DM और पटना के DIG सह SSP अनुमंडल पदाधिकारी हो चाहे सहायक आरक्षी अधीक्षक हो, दल बल के साथ में इसी पटना सिटी के वज्र घाट पर आए हैं और घाटों का जिस तरह का जो निर्माण कराया गया है उस पर तमाम तरह का वो निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। इस या फिर कंगन घाट में मूर्तियों का विसर्जन करने के लिए कृत्रिम तालाब की व्यवस्था की गई है और साथ ही प्रदूषण, गंगा को प्रदूषण होने से बचाने के लिए तमाम तरह की इस बार जिला प्रशासन कमर कस चुके हैं। क्या कुछ कर रहे हैं पटना DM और क्या कुछ कर रहे हैं SSP, उनकी बात को सुनते हैं। इससे शुरू हो गया है जो नवरात्रि थी और दशहरा आज है और आज से ही विसर्जन शुरू हो गया है, तो हम लोग जो कृत्रिम घाट बनवाए हैं उसी का निरीक्षण कर रहे हैं। NGT का आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कि गंगा नदी में विसर्जन नहीं होगा विशेष रूप से, तो उसके लिए हम लोगों ने कृत्रिम घाट का निर्माण कराया है। कुल 13 कृत्रिम घाट बनाए गए हैं शहरी क्षेत्र में और हम लोगों का प्रयास है कि उसी में विसर्जन हो। उसके लिए हम लोगों ने फोर्स मजिस्ट्रेट सब डिप्यूट किया है 3 शिफ्ट में, रात और दिन पूरा मिला करके CCTV कैमरे से निगरानी कर रहे हैं और उसके अलावा नगर निगम की पूरी टीम लगी हुई है कि कृत्रिम तालाबों में अगर भर जाता है तो उसको सफाई करते रहें लगातार, और SDRF की टीम लगी हुई है सभी घाटों पर। नावों का परिचालन बंद रहेगा 2 दिन तक, मुख्य रूप से 2 दिन आज कल विसर्जन है और कुछ लोग बचे हुए हैं वो परसों भी करेंगे 14 तारीख को भी, तो उनके लिए भी हम लोगों ने इंतजाम किया है। तो कुल मिला के तैयारी ठीक है और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पूजा समितियों से आग्रह है कि कृत्रिम तालाब में ही विसर्जन करें, नदी में नहीं करें, प्रदूषण से बचाएं नदी को। हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है, जागरूक बने और NGT का आदेश है, अगर उसका वायलेशन होगा तो अवमानना भी होगा और हम लोग फिर प्राथमिकी दर्ज करके उस पर कानूनी कार्रवाई भी करते हैं जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं। तो हम लोगों का आग्रह है कि स्वयं जागरूक बने और कृत्रिम तालाबों में ही विसर्जन करें। विसर्जन को लेकर क्या कोई कंट्रोल उनका किया गया? नहीं, सभी घाटों पर हम लोगों ने किया है और 3 शिफ्ट में पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी और नगर निगम की टीम और पूरा लाइटिंग की व्यवस्था, SDRF की टीम, सभी घाटों पर हम लोगों ने तैयारी किया है रात और दिन दोनों, क्योंकि ये रात दिन चलता है कार्यक्रम विसर्जन का, रात भर चलता है। नहीं, वो तो है, हम लोगों का है, सब जगह लगा भी है, उसको दिखा सकते हैं। और जिला नियंत्रण कक्ष और हमारे पदाधिकारी भी रहेंगे वहाँ पर, जो हर घाट पर नियंत्रण कक्ष बना है, हमेशा को पदाधिकारी वहाँ उपस्थित रहेंगे, कोई असुविधा हो तो लोग उनको बता सकते हैं। लोगों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो केंद्रीय रैफ प्राप्त हुआ है उसकी भी प्रतिनियुक्ति की गई है, सभी जो पूजा कमिटीज हैं उनके साथ कई राउंड की मीटिंग जो है जो पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा की गई है, घाटों पर भी प्रतिनियुक्ति की गई, आने जाने के रास्तों में सभी जो पंडाल हैं उनके साथ जो है हमारे एक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं जो लगातार उनके साथ रहेंगे। हम लोगों ने सारी तैयारियां कर रखी हैं, हम लोग को पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे तरीके से विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न होगा। ये थे पटना DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और DIG सह SSP राजीव मिश्रा जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि और
कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए इस बार गंगा में विसर्जन नहीं करना है और साथ ही कृत्रिम तालाब जहां जहां कृत्रिम तालाब का निर्माण कराया गया है वहीं मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। ऐसा साइट आप देखते रहिए। जय हिंद।